Assalamualaikum, आज हम इलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोड 1340 बिजनेस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आपके इस बुक के 9 चैप्टर्स हैं, जिनमें से आज हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर जो 1 है, इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे और पेज 1 बाय 1 हम इसके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। ठीक है, हमने इस चैप्टर में देखना है कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स जो होते हैं वो अपने हिसाब किताब को, अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, उनकी किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने एक हमारा बेसिक टॉपिक है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स की अकाउंटिंग को हमने समझना है। सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए नॉन ट्रेडिंग क्या होता है। नॉन ट्रेडिंग क्या होता है? नॉन ट्रेडिंग का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट, यानी कि ऐसी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है, वो प्रॉफिट नहीं कमाती, उनका मकसद माशरे की फ्लाह महबूद के लिए होता है, ताकि वो माशरे के लोगों की खदमात कर सकें, ना कि मुनाफा कमाएं। ठीक है, तो इसमें हमने देखना है नॉन ट्रेडिंग को आप नॉन प्रॉफिट भी कह सकते हैं और कंसर्न्स को ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? तंजीमें, यानी ऐसी तंजीमें जिनका मतलब जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता, वो अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से रिकॉर्ड करती हैं, उसकी सारी डिटेल हमने इस चैप्टर में कवर करनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके नेम से ही आपको शो हो रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका अकाउंटिंग का पैटर्न है कि आपके पास 9 लॉन्ग क्वेश्चन गिवन होते हैं और उनमें से 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने होते हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में से जरूर आता है। और ये बहुत ईजी चैप्टर है अगर आपको इसकी समझ आ जाए। ठीक है, मैं लेक्चर्स बनाऊंगी। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिक इंट्रो पे, हम इसमें बेसिक इंट्रो पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हम इसकी एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, और फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना किए तो आप 1339 जो आपकी अकाउंटिंग है, बिल्कुल इसी तरह 1340 जो आपकी ये अकाउंटिंग है, आपका इसका एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं कर सकते, और ना ही आप अपनी इंग्लिश इसका 386 और 387 का, क्योंकि आपको पता है इन सब्जेक्ट का बिजनेस में जो आपका सब्जेक्ट है 1349, इनके पेपर कंसेप्चुअल आते हैं, ना ही असाइनमेंट से आते हैं और ना ही बुक से आते हैं। ठीक है, इनके पेपर किस तरह आते हैं? इनके पेपर पूरे कॉन्सेप्ट पे बने होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तभी आप इनके एग्जाम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने एग्जाम्पल्स पे ग्रिप बनाते हो, अपने कॉन्सेप्ट पे ग्रिप बनाते हो, अपने एक्सरसाइजेस पे ग्रिप बना लेते हो, तो आप इनके पेपर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, 33 नंबर लेके कुछ बच्चे इस तरह करते हैं कि उनका लक चल जाता है और असाइनमेंट्स में से ही कोई क्वेश्चन आ जाता है और वो 33 नंबर ले लेते हैं, या एक दो दफ़ा सप्ली ले लेते हैं और फिर तीसरी चौथी दफ़ा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्लियर होना, ऐसा पास होना भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पास होना, 33 मार्क्स लेके पास होना और बार बार सप्ली लेके पास होना एक ही मतलब रखता है कि कोई मतलब नहीं रखता। ठीक है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप आईकॉम के स्टूडेंट हैं, ऑब्वियसली अगर आप आईकॉम कर रहे हैं तो नेक्स्ट आपने बीकॉम करना है, और बीकॉम आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी आईकॉम पे ग्रिप ना हो। ठीक है, बीकॉम जो आईकॉम है ये फर्स्ट लेवल होता है, इसमें आपको सारी इंट्रोडक्शन, जो अकाउंटिंग है, जो आपके बिजनेस मैथ है, ये सारे स्टैटिस्टिक्स है, इसकी बेसिक्स आपको पढ़ाई जाती है और बहुत ज़्यादा डिटेल आपके पास इन चैप्टर्स में गिवन होते हैं। जब आप बीकॉम करेंगे उस टाइम आपके पास ये डिटेल्स गिवन नहीं होगी, अगर आपकी बेस नहीं बनी होगी तो आप आगे बीकॉम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर जो वो बच्चे जो आईकॉम के बाद बीकॉम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी अकाउंटिंग पे ग्रिप बन जाए, उन्हें अकाउंटिंग का सब्जेक्ट अच्छे तरीके से आता हो, कोई भी क्वेश्चन उनके सामने गिवन हो तो वो आसानी से सॉल्व कर लें, तो उन्हें चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके पढ़ें। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आपके पास नंबर मेंशन हो रहे होते होंगे, मैंने कितनी बार देखा। और बल्कि जब मैं भी आईकॉम कर रही थी तो मैंने भी कई यूट्यूबर से कांटेक्ट किया था, जब मैं ये सब्जेक्ट खुद पढ़ रही थी। ठीक है, वो फीस ले लेते हैं, कोई 2500 ले रहा है, कोई 3000 ले रहा है और कोई 3500 ले रहा है, और कहते हैं कि जो आपने एक ही दफ़ा ये फीस पे करनी है, दोबारा पे नहीं करनी, और जो मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और वो ये कह के एक दो क्वेश्चन हर चैप्टर से बच्चों को करवा देते हैं, वो समझते हैं कि जी यही इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं होते। वो सिर्फ क्या कहते हैं, आपकी फीस ले लेते हैं, फीस लेने के बाद आपको एक दो गैस के नाम से, उन्हें पता ही नहीं होता। आप पहले ये बात सोचें कि गैस क्वेश्चन एक एग्जामिनर ने एग्जाम बनाना है। ठीक है, मेरे पास ये बुक गिवन है और मैंने इसमें से एग्जाम बनाना है, और मेरी पसंद है, मैं कोई भी क्वेश्चन ले लूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 1 चूज कर लूँ, क्वेश्चन नंबर 2 चूज कर लूँ, ये मेरी है। कोई आपको किस तरह बता सकता है कि मैं कौन सा क्वेश्चन चूज करूंगी? तो उनकी बातों में बिल्कुल ना आइएगा और
ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स के मेरे पास स्क्रीन शॉट भी हैं जिन्होंने मतलब जो फीस लेके फिर आपसे कॉन्टेक्ट नहीं करते, एक दो दिन आपको क्लास देते हैं और कहते हैं जी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये कर लें, ये एग्जाम्स में आने, और अगर आप उनसे कोई भी कॉन्सेप्ट पूछते हैं तो आपको रिप्लाई नहीं करते। ठीक है, फिर अगर आप मेरे नंबर पर जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं आपके सामने नंबर मेंशन होगा, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मेंशन होगा और मैंने ये नंबर यहाँ पे भी लिख दिया, आप इस पे नोट इस पे कॉन्टेक्ट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको उन यूट्यूबर्स के जो मतलब से पैसे मतलब आपसे वसूल कर लेते हैं। आप आईकॉम के जो बच्चे होते हैं उन्हें अकाउंटिंग का सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लगता है, तो फिर वो इसी तरह जो ऑनलाइन अकेडमीज हैं इनसे कॉन्टेक्ट करते हैं और फिर वो 3500-2500 लेके फिर आपके फरार हो जाते हैं, लास्ट पे आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ना होता है उन्हें वो एक दो गैस दे देते हैं कि ये आपका गैस है या आने आने, और आखिर में वो नहीं आता और वो बच्चे फेल हो जाते हैं। और जो कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं जो उनसे बार बार कॉन्टेक्ट करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें वो डायरेक्टली ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसी ऐसे यूट्यूबर के हाथ में ना जाएं तो ब्राय मेहरबानी मेरा ये नंबर आपके सामने मेंशन हो रहा है 0348789579, आप इस पे कॉन्टेक्ट करेंगे। मैं ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में भी आपको बता दूंगी जिनसे मैंने कॉन्टेक्ट किया था और उन्होंने फिर मुझे सही से नहीं पढ़ाया था जब मैं आईकॉम कर रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने आईकॉम किया A+ ग्रेड में मैंने अपना आईकॉम कंप्लीट किया। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपना जो आईकॉम है A+ ग्रेड में करें, कंप्लीट करें और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, जब मैं आपको वीडियो पढ़ाऊंगी तो आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि मेरे कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे तरीके से क्लियर हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके भी क्लियर हों तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा सारे सब्जेक्ट्स का आईकॉम के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लाइक इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात है, जितने भी A-Z सब्जेक्ट्स हैं सबके ग्रुप्स मेरे पास हैं और सब में बच्चे मौजूद हैं और आप अपने किसी भी ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा था आपके साथ जरूर शेयर करूं ताकि आपके साथ भी उन बच्चों जैसे ना हो जैसे मतलब बाकी यूट्यूबर्स करते हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है यूनिट नंबर 1 है अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स क्या होते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि ऐसी तंजीमें जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता, ठीक है, उनकी अकाउंटिंग हमने इस चैप्टर में कवर करनी है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, हमारे पास इंट्रोडक्शन पेज नंबर 3 पर गिवन है। और कुछ बच्चे, मैं एक और बात बता दूं, कुछ बच्चे इस तरह कहते हैं कि वो समझते हैं कि ये आपकी अकाउंटिंग उर्दू में भी लिखी हुई है, वो उर्दू में याद कर लेते हैं और समझते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन आएगा उर्दू में होगा और हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। नहीं, ये जो उर्दू है इसमें आपको ये इसलिए गिवन है कि जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती वो उर्दू से थोड़ा सा पढ़ लें और समझ लें। आप देख रहे हैं चाहिए उर्दू में लिखा हो लेकिन जो आपका सोल्यूशन है वो इंग्लिश में है। ठीक है, और जब हमारा जब एग्जाम हो रहा था अकाउंटिंग, ये देख लें ये बेशक उर्दू की बुक है लेकिन इसमें सोल्यूशन सारे इंग्लिश में है। ठीक है, ये देखें ये सारे सोल्यूशन इंग्लिश में। तो एक दो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उर्दू में ये अकाउंटिंग कवर की हुई थी और जब उनके पास पेपर आया इंग्लिश में तो वो हैरान हो गए। मतलब उन्होंने फिर टीचर से कहा कि हमने तो उर्दू में पढ़ा हुआ है लेकिन ये तो सारे क्वेश्चन इंग्लिश में गिवन है, हमें कैसे सॉल्व करें। तो फिर टीचर ने कहा था कि इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, सो अगर आप भी चाहते हैं ये आपके साथ ना हो तो आपने सिर्फ इंग्लिश वाली ही बुक पढ़नी है, इंग्लिश से ही अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं क्योंकि अकाउंटिंग का पेपर हमेशा इंग्लिश में ही आता है, उर्दू में नहीं आता। ठीक है, तो वहां पर उर्दू पढ़ के अपना टाइम वेस्ट ना करें, इंग्लिश से ही मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और इंशाल्लाह अगर आपने मेरी रेगुलर वीडियोस देखी और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया तो आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे तरीके से क्लियर होंगे कि आपके पास जो भी क्वेश्चन गिवन होगा आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक है पेज नंबर 3 पे, हमारे पास इंट्रोडक्शन गिवन है। ऑर्गेनाइजेशन में बी ऑफ टू टाइप्स, जो तंजीमें होती हैं उनकी दो टाइप्स हैं। ठीक है, और कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। ठीक है, कुछ तंजीम उनके ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, एक टाइप है, एक किस्म ऐसी है जिसको हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और एक तंजीम ऐसी है जिसको हम नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आप इसे नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दोज ऑर्गेनाइजेशन हु बेसिक मोटिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता आर कैटेगराइज्ड एज नॉन कमर्शियल और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। ठीक है, ऐसी तंजीमों को हम नॉन कमर्शियल, नॉन ट्रेडिंग, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, यहां आपके पास नॉन एक तो हो गया ना, आपने याद करना नॉन कमर्शियल, नॉन ट्रेडिंग और नॉन प्रॉफिट। आपने यहाँ एक और नेम भी ऐड कर लेना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये सारे एक ही तंजीम के नाम है, सिनोनिम्स हैं उसके। ठीक है, ये सारे उसके पास हैं नाम है, आपने ये याद कर लेना, नॉन प्रॉफिट, नॉन कमर्शियल और नॉन ट्रेडिंग एक ही तंजीम के नाम होते हैं, ये उसके सिनोनिम्स हैं।
यानी कि ऐसी तंजीमें जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता, हम उन्हें नॉन कमर्शियल, नॉन ट्रेडिंग, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं या उन्हें कहा जाता है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास उन्होंने बताया हुआ है कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, तो हम देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है। द यूनिट डिस्क्राइब द डिटेल्स, कि ये यूनिट आपके सामने डिस्क्राइब करेगा डिटेल्स यानी कि तफसीलात को ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की तफसीलात को आपके सामने पेश करेगा। और इसमें क्या होगा, इंक्लूडिंग होंगी द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की का फर्क भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है ये तो आपको बताया ही जाएगा इस चैप्टर में। इसके अलावा आपको क्या बताया जाएगा, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और जो मुनाफा कमाने वाली तंजीमें होती हैं उनका और जो मुनाफा नहीं कमाते उन तंजीमों का फर्क भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, दो चीजें होगी। सेकंड पे आप नीचे आप देखें हमारे पास क्या है, थर्ड पे हमें क्या बताया जाएगा, वेरियस टर्म्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स यानी कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनकी वेरियस टर्म्स के बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स क्या होते हैं, ऐसी तंजीमें जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता। ये इंट्रोडक्शन है, इसीलिए मैं बार बार इन वर्ड्स को रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। मैंने आगे इन बेसिक्स को नहीं बार बार डिफाइन करना, तो आप इसी टॉपिक से अपने आपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के, नॉन ट्रेडिंग क्या होता है, कमर्शियल क्या होता है, मैं ये पैराग्राफ कंप्लीट होकर आपको फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉलो बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स आर एक्सप्लेन एंड इन द एग्जांपल्स इन यूनिट इन दिस यूनिट। ठीक है, अच्छा इसमें और क्या कह रहे हैं, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स यानी कि जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं यानी कि ऐसी तंजीमें जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता, वो अपने डाटा को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, उसकी तमाम एक्सप्लेनेशन हमारे पास इस चैप्टर में हमें बताई जाएगी, कुछ एग्जाम्पल्स दी जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ताकि हमें इस कॉन्सेप्ट की आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, डिटेल से समझ आ जाए। फिर देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ द यूनिट सेल्फ असाइनमेंट क्वेश्चंस एंड वेरियस प्रॉब्लम्स आर गिवन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स कवर्ड इन दिस यूनिट। यानी कि इस चैप्टर के लास्ट में आपके पास कुछ सेल्फ असाइनमेंट क्वेश्चंस होते हैं यानी कि प्रॉब्लम्स के नाम से जो आपके पास मेंशन होते हैं वो, और कुछ प्रॉब्लम्स होंगी वो आपके पास गिवन होगी ताकि आप उनको सॉल्व करें और जो आपने इस टॉपिक इस यूनिट में सारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं उसके आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं यानी कि जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो हमें किन किन चीज़ों पे ग्रिप हमारी बन जाएगी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले तो हमें पता चल जाएगा, क्या पता चलेगा, डिफाइन द, अगर हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन द नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, इसके बारे में हमें पता चल जाएगा कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फर्स्ट ईयर में हमारा एक पूरा चैप्टर था जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ठीक है, और सेकंड ईयर में हमारे पास उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है जिसमें हम सीखेंगे अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, और अब मेरे इस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले आपके जहन में आ जाना चाहिए कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। तो एक दो मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और अपने आप से पूछें कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। ठीक है, फिर आपने मेरी वीडियो को स्टार्ट करना और सुनना है कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि ऐसी तंजीमें जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता। ठीक है, फिर हमारे पास नीचे क्या है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, यानी कि आपने बताना है ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के दरमियान आपने डिफरेंस बताना है। ठीक है, अगर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स ऐसी तंजीमें होते हैं जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता, तो ट्रेडिंग कंसर्न्स या कमर्शियल जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, इनका मकसद क्या होगा, ऑब्वियसली इनका मकसद यही होगा कि ये तंजीमें मुनाफा कमाती हैं और ये तंजीमें मुनाफा कमाती और नॉन ट्रेडिंग मुनाफा नहीं कमाती, यही इनके दरमियान डिफरेंस है। ठीक है, फिर अगर वो मुनाफा नहीं कमाती तो वो क्या करती हैं, उनके पास इनकम कहाँ से आती है, ये हम नेक्स्ट, अब हमारे पास वन बाय वन टॉपिक्स आ रहे हैं तो हम उसी टाइम कवर करेंगे। ठीक है, अभी तक हमारे पास जितना लिखा हुआ है हम सिर्फ उससे ही समझेंगे। फिर इस चैप्टर को कवर करने के बाद हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना आ जाएगा, हमें कैश बुक और हमें पता चल जाएगा कि कैश बुक एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के दरमियान डिफरेंस क्या है। ठीक है, आपको पता है ना रिसिप्ट एंड, बल्कि आपको कैसे पता हो सकता है, आप तो ये बुक आप स्टार्ट करने वाले हैं, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये समरी होती है कैश बुक की। ठीक है, इस वजह से इस चैप्टर में हमें इनका डिफरेंस भी बताया जाएगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समरी होती है कैश बुक की, तो क्यों समरी होती है वो कैश बुक की,
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसलिए हमें इसका डिफरेंस भी बताया जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो हमारे ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पहले दो तो कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का भी हमें पता चल चुका है, नॉन ट्रेडिंग का भी हमें पता चल चुका है। ठीक है, कैश बुक का ये हमारा फर्स्ट ईयर का टॉपिक था, कैश बुक जिसमें हमने बनाना सीखा था। ठीक है, और आज हमारा इसी से रिलेटेड सेकेंड टॉपिक है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना आ जाएगा। प्रिपेयर द बैलेंस शीट फॉर नो, हमें बैलेंस शीट हमारा फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, हमें बैलेंस शीट बनानी आती है, लेकिन इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बैलेंस शीट किस तरह बनाई जाती है। ठीक है, अब आपने इन वर्ड्स पे अपनी ग्रिप बनानी है कि कमर्शियल क्या होता है, नॉन कमर्शियल क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, कैश बुक क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। आपने इन सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव पर अपनी ग्रिप बना लेनी है। ठीक है, इसको कवर करने के बाद आप देखते हैं पेज नंबर 4 पे हमारे पास क्या टॉपिक है। पेज नंबर 4 पे आप देखें तो हमारे पास 1.1 में इंट्रोडक्शन टू नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, वही नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स का हमारे पास इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, ये जो इंट्रोडक्शन था ये ओवरऑल था, ये यूनिट के बारे में था, ये ऑर्गेनाइजेशन के दो टाइप्स के बारे में था। ठीक है, अब उस टाइप में से एक टाइप जो कि हमारे ये चैप्टर है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, उसका इंट्रोडक्शन हमें स्पेशल अलग करके दे दिया गया कि नॉन ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। An organization may be owned by an individual such as sole proprietor, a doctor, a lawyer, a chartered accountant. An organization may also be owned by a group of persons such as a partnership firm, a joint stock company, a cooperative society, a club, a hospital, school, and etc. On the basis of the objective to be achieved, organization may be divided into two categories. These are profit-making organizations and not profit-making organization, also known as non-trading organization. ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, इंग्लिश में हमारे पास गिवन था, अब आपको पढ़ते समझ आ गई है। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, ऐसी तंजीमें होती हैं जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता, और नॉन ट्रेडिंग को ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी कहा जाता है और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्स भी कहा जाता है। ये एक ही तंजीम के नाम है, आपको ये याद करने हैं। ठीक है, अभी हमारे पास लिखा हुआ था कि जो कुछ जो तंजीमें होती हैं उनको दो कैटेगरीज में हमारे पास डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, एक कुछ ऐसी तंजीमें होती हैं जिनका मकसद प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी तंजीमें जिनका मकसद मुनाफा कमाना होता है, और दूसरी कैटेगरी क्या है, ऐसी तंजीमें जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता है। ठीक है, आपको ये समझ आ गई होगी, ऐसी तंजीमें जिनका मकसद मुनाफा कमाना होता है वो कौन सी तंजीमें होती हैं, और ऐसी तंजीमें जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता वो कौन सी तंजीमें होती हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है सच एस, यानी कि यहाँ से आपके एग्जांपल स्टार्ट हैं। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, जो सोल प्रोप्राइटर आपने कॉमर्स के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, इसका मकसद क्या होता है, वो इसलिए मेहनत करता है, वो अपने कारोबार को इसलिए एस्टेब्लिश करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सके, यानी कि प्रॉफिट कमा सके। डॉक्टर क्यों हमारे लिए मतलब बैठा होता है क्लिनिक में, ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, अर्निंग कर सके। लॉयर क्यों होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों होते हैं, इनका क्या मकसद होता है, इनका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, प्रॉफिट कमाना, इनकम बहुत ज्यादा कमाना, ये इनका मकसद होता है। ठीक है, लेकिन जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न से ताल्लुक रखते हैं उनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता, उनका मकसद क्या होता है, उनका मकसद होता है लोगों की और सोसाइटी की खिदमात करना। ठीक है, उनको सहूलियात फ्राहम करना। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, यानी कि कुछ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखती हूँ जिससे आपको बहुत ज्यादा समझ आ जाएगा। अब देखिए ये इंट्रोडक्शन के पढ़ने के बाद आपके सामने ये ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉलम शो हो रहा होगा। ठीक है, ये आपके पास एक डायग्राम में आपको बताया गया कि ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और एक है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको बताया कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद मुनाफा कमाना होता है उनमें कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, ट्रेडिंग, अब देखिए ट्रेडिंग यानी कि जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेडिंग का काम करती है, लाइक वो कपड़े डिजाइनर हैं, कपड़े का काम करती हैं, कपड़े की तिजारत करते हैं वो लोग, या अगर वो लोग किसी भी चीज की तिजारत करते हैं तो उनका मकसद क्या होता है, उनका मकसद होता है मुनाफा कमाना। जो जितने भी प्रोफेशंस हैं लाइक लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, टीचर्स, इनका सबका क्या मकसद होता है, इनका मकसद होता है मुनाफा कमाना। और हमारे पास एजेंसी सर्विस लाइक फाइनेंसिंग है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है,
बैंकिंग में जो लोग बैठे होते हैं बैंक में और वो काम कर रहे होते हैं, उनका क्या मकसद होता है? बैंकिंग करने वालों का क्या मकसद होता है? वो क्यों हमारे लिए सहूलियात फ्राहम कर रहे होते हैं? वो इसलिए सहूलियात फ्राहम कर रहे होते हैं ताकि वो हमसे प्रॉफिट जनरेट कर सकें, ठीक है। जो इंश्योरेंस होते हैं लाइक बीमा कंपनी जो है, इनका क्या मकसद होता है? इनका मकसद वो हमसे क्यों लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। बिजनेस इंश्योरेंस, कितनी टाइप्स के इंश्योरेंस है हम लास्ट सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं। तो इंश्योरेंस करवाने वाले क्यों हमारे लिए इतनी हमारे लिए ये अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं? क्योंकि उनका मकसद होता है मुनाफा कमाना, ठीक है। आपके सामने ये एग्जाम्पल्स लिखी हुई है कि कौन कौन सी ऐसी तंजीमें होती हैं जिनका मकसद होता है मुनाफा कमाना, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट हमारे पास है नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉन कमर्शियल की भी आपके सामने हमने कुछ एग्जांपल्स रख दी गई हैं कि ऐसी कुछ तंजीमें होती हैं जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता। इस तरह के हॉस्पिटल्स भी होते हैं, क्लब्स भी होते हैं, मस्जिद भी हमारे पास होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी बनाए जाते हैं जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है, ठीक है। जैसे हमारे पास गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या मकसद होता है? वहां पे 20 रुपीज फीस होती है, 20 रुपीज से अब उनका क्या प्रॉफिट है? उनका 20 रुपीज से कोई प्रॉफिट उनको जनरेट होता, बस क्या होता है उनके थोड़े जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। उसी जो उनके पास कलेक्ट होते हैं पैसे, उससे थोड़ी से वो अपने एक्सपेंसिस कर लेते हैं, एक्सपेंसिस उनके कम हो जाते हैं और उनको ना तो इनकम होती है ना इतनी बच्चों की जो उनके पास फीसिस कलेक्ट होती है ना उनसे उनकी इनकम होती है ना ही उनसे उनका बहुत ज्यादा तक प्रॉफिट जनरेट होता है। तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो मस्जिद होती हैं, मस्जिद में भी जाके हम नमाज पढ़ते हैं, कोई इदारा ऐसा होता है जो मस्जिद को कायम करता है, फिर हम जाके वहां पे वो करते हैं नमाज पढ़ते हैं, तो उस इदारे का क्या मकसद होता है? उस इदारे का मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। क्या आप अगर मस्जिद में जाते हैं तो आपसे पैसे वहां पे लिए जाते हैं? नहीं लिए जाते, आपको फ्री में वो सहूलत प्रोवाइड की जाती है कि आप आए यहाँ पे जाए नमाज उठाएं और नमाज पढ़ें या कुरान पाक पढ़ें। तो ऐसी कुछ इदारे हमारे पास जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता, ठीक है। ये उसके एग्जांपल्स हमारे पास लिखी हुई हैं। तो सबसे अच्छी मिसाल आपके पास है एनजीओस की। कुछ ऐसी एनजीओस होते हैं लाइक आपके पास ईडी है, और जो ईडी है और जो एम्बुलेंस वगैरह हमारे पास चल रही होते हैं हमारे इर्द गिर्द, इनका क्या मकसद होता है कि जो हमारे पास एम्बुलेंस आते हैं जब हमें से कोई बीमार हो जाता है तो उनका क्या मकसद होता है? वो आपसे प्रॉफिट लेते हैं, वो आपसे पैसे लेते हैं, उनका इसमें से कोई फ़ायदा होता है? नहीं ना होता। उनका क्या मकसद होता है? फिर वो हमें क्यों सहूलियात फ्राहम कर रहे होते हैं? ना तो वो हमसे पैसे लेते हैं, ना वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो उनका क्या मकसद होता है? उनका मकसद होता है हमारी यानी कि पीपल्स की और सोसाइटी को सहूलियात फ्राहम करना, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना और नॉन कमर्शियल का मकसद होता है माशरे की और लोगों की लोगों को सहूलियात फ्राहम करना, ठीक है। यहाँ तक आपका टॉपिक क्लियर हो गया। ये फिर से उसकी डिटेल लिखी हुई है, इसलिए मैं दोबारा से इस टॉपिक को बिल्कुल कवर नहीं करूंगी क्योंकि ये फिर से वही लिखा हुआ है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनका क्या मकसद होता है वही सारा जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ये मुनाफा नहीं कमाती और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के करैक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, हमने ये देखने हैं, ठीक है। पेज नंबर 5 है हमारे पास। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, द मेन फीचर्स ऑफ द नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स आर एज फॉलोस। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या होता है। फिर उनके सेकेंड हमारे पास है टॉपिक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और फिफ्थ टॉपिक है हमारे पास रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव उनके क्या लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से डिटेल इसके पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू सर्व द पीपल एंड सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। के द जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता बल्कि उनका मकसद लोगों की और सोसाइटी की खिदमत करना होता है, यानी कि उन्हें सहूलियत बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यानी कि उन्हें सहूलियात फ्राहम करके उनकी खिदमत करना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपको समझ हो गया, समझ आ गया होगा कि ऐसी तंजीमों का मकसद क्या होता है, वो क्यों काम कर रही होती हैं। सेकंड पे आप देखें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें आप देखें आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रॉफिट के वर्ल्ड को इस चैप्टर में स्किप कर देना है, बस उसका कॉन्सेप्ट याद रखना है लेकिन आपने प्रॉफिट और लॉस का वर्ल्ड इस चैप्टर में यूज ही नहीं करना सब, क्योंकि हमें बार बार पढ़ चुके हैं कि ऐसी तंजीमों का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ठीक है। इनका जब हमारे पास जब भी हमारे जो एक इनकम होती है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर कम होते हैं और इनकम ज्यादा होती है तो हम क्या कहते हैं, हमें प्रॉफिट हुआ। तो ऐसी तंजीमों में भी जो अखराजात होते हैं, ठीक है, जब उनके खर्चे वगैरह वो करती हैं तो उनके पास भी कोई पैसे आते हैं तो वो ये नहीं कहते कि हमें प्रॉफिट हुआ, वो कहते हैं हमें सरप्लस हुआ, ठीक है। आपने प्रॉफिट के लिए इस चैप्टर में
सरप्लस का वर्ड यूज करना है, ठीक है, और लॉस के लिए आपने डेफिसिट का वर्ड यूज करना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपने लिख दिया इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, तो आपका क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने बार बार आपने इस चैप्टर में एक ही बात रिपीट हो रही है कि इनकम उससे प्रॉफिट कमाना नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। फिर जब आप प्रॉफिट का वर्ड मेंशन कर देंगे तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द सरप्लस अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स और कंट्रीब्यूटर्स बट इट टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू सोसाइटी। अब देखें क्या इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जो इनके पास सरप्लस आता है, ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट किसका याद रखना है, प्रॉफिट का, लेकिन आपने प्रॉफिट का वर्ड यूज नहीं करना है, ठीक है। यानी कि जब मैं कह रही हूँ कि सरप्लस, किसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट का वर्ड यूज नहीं करना। जो सरप्लस इनके पास आता है वो किसी मेंबर्स में, किसी कंट्रीब्यूटर्स में डिवाइड नहीं किया जाता, बल्कि उसे यूटिलाइज किया जाता है किसके लिए, सोसाइटी की खिदमात को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि उन्हें मजीद सहूलियात फ्राहम करने के लिए। वो जो पैसा या वो जो हमारे पास सरप्लस इकट्ठा होता है, हम उसे यहाँ पे यूज करते हैं सोसाइटी के लिए, ना कि हम उसे मेंबर्स में डिवाइड कर देते हैं। जबकि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, इसमें हमारे पास आपको पता होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। उनका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। तो वो क्या करते हैं, पार्टनरशिप में अपने शेयर्स को सेल करते हैं, ठीक है। जिस हिसाब से जिस बंदे के जितने शेयर्स होते हैं उसका उतना ही प्रॉफिट होता है, और अगर लॉस हो जाए कंपनी को तो वो उस हिसाब से ही लॉस बर्दाश्त करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, उसको आपने आपने उसे 1000 रुपीज़ क्या किया, आपने उसके 10,000 रुपीज़ के आपने शेयर्स परचेज किए हैं, और आपने उस पार्टनरशिप में अपनी पार्टनरशिप डाल दी है, ठीक है। आपके पास 10,000 के शेयर्स हैं। अब अगर उस कंपनी को सपोज 1,00,000 रुपये का अगर उससे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 1,00,000 रुपए का अगर उससे उस फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, तो 10,00,000 के आपके शेयर्स हैं, तो आप क्या करेंगे, आपका हिस्सा होगा 10,00,000 रुपए में। वो फर्म, पार्टनरशिप फर्म जो है, वो आपको 10,00,000 रुपए आपके शेयर के मुताबिक आपको प्रॉफिट, जितना भी आपका आएगा वो आपको उतना प्रॉफिट दे देगी। अगर उसको, मतलब उस पार्टनरशिप फर्म है जो, उसको 10,00,000 रुपए का प्रॉफिट होने की बजाय 10,00,000 रुपए का नुकसान हो गया, और उसके अंदर आपके 10,000 रुपए के जो शेयर्स हैं, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से 10,000 रुपए के जितना आपको प्रॉफिट बर्दाश्त करना पड़ रहा था, प्रॉफिट आपको लेना था, उस हिसाब से आपको लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। लेकिन जो होती है ना नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी इनके पास भी तो पैसा, जब पैसा कौन देता है इन लोगों को, इन लोगों को पैसा हम देते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल आपको इसकी तो समझ आ गई होगी, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि जिस हिसाब से हम शेयर डालते हैं, उस शेयर के हिसाब से हमें प्रॉफिट और लॉस दिया, लॉस, ठीक है, हमारे हिस्से में डाल दिया जाता है। फिर देखें, इनके पास जब पैसे जमा होते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो खुद से तो पैसा नहीं लगाते अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें पैसा कौन देता है, उन्हें पैसा हम लोग देते हैं सब्सक्रिप्शन के जरिए, मेंबरशिप के जरिए, ठीक है, इन सारे जरिए से हम उन्हें पैसे देते हैं, ठीक है, हम ही उन्हें पैसे देते हैं, उनके पास खुद से कोई पैसा नहीं होता, ये हम सब लोग उन्हें पैसा देते हैं। लेकिन उसके अंदर जब उन्हें सरप्लस होता है तो वो हमें नहीं उसमें हिस्सा देते, ठीक है। उनके पास सरप्लस आ जाए तब भी वो ना तो हमें सरप्लस में हिस्सेदार बनाते हैं, और ना ही डेफिसिट में हमें हिस्सेदार बनाते हैं, हालांकि हमारा ही दिया हुआ पैसा होता है, ठीक है। वो उनके पास जो सरप्लस आ जाता है तो वो किस पे ये खर्च करते हैं, वो उन सोसाइटी पे और गरीब जो होते हैं लोगों पे खर्च कर देते हैं, ना कि हमें उसमें कोई हिस्सा दिया जाता है, ठीक है, जिस तरह हमें कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है, इस तरह नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको सेकेंड पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और 28 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है सिर्फ यहाँ तक। अभी तक हमने एक पेज कवर किया और वो भी पूरा टॉपिक स्किप कर दिया, फिर भी देखें डिटेल्स में आपको, मैंने आपको कितनी ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड किया, और अब तो आपके कान भी गूंज रहे होंगे कि एक ही बात जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यही रिपीट हो रही है, और हमने इसी से अपने चैप्टर की जब बेस बनानी है, बेस हमारी बनेगी, तो हमारे पास ये सारे एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, हमारे पास गिवन है, हम इसे सॉल्व कर पाएंगे जब हमारी बेस बन जाएगी, ठीक है। आपके सामने ये शो हो रहा होगा, ठीक है, आप ये क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास बेस नहीं होगी, आपको पता ही नहीं होगा किसी भी चीज के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, मैंने आपको एक मिसाल देनी थी कि नॉन जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के ना, इसकी सबसे अच्छी मिसाल है इस टॉपिक के लिए, ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
वो मिसाल ये है कि अब देखें रिसेंटली यहाँ सिंध में सैलाब आया है, ठीक है, और सैलाब में हम सब ने कितने, हम में से कितने लोगों ने पैसे दिए हैं, ठीक है, किसी ने 500 दिया है, किसी ने 10,000 दिया, जिसकी जितनी सतात थी उसने उस हिसाब से उस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे भेजे हैं, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने स्टैंड लिया था और कहा था कि आप ना इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, अपने जो आपके पास इनकम है वो आप हमें भेजें, हम आगे भेज देंगे, ठीक है, उस सैलाब जदगान को देंगे। तो हमने बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को पैसे भेजे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को भेजे हैं, और बहुत सारे गवर्नमेंट ने भी ये स्टैंड लिया था कि आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें, इतने पैसे भेजें और आपके सैलाब जदगान को भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा जो काम हो रहा था ये नॉन ट्रेडिंग हो रहा था, यानी कि इनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं था, बल्कि इनका मकसद क्या था, उन लोगों की मदद करना। और इनको सारे पैसे किन लोगों ने दिए, हम लोगों ने दिए, लेकिन जब इनको सरप्लस होगा तो हम उसमें हिस्सेदार नहीं होंगे, ठीक है, ना ही इनको लॉस होगा तो हम उसमें हिस्सेदार होंगे, ठीक है। हमारा मकसद होता है सिर्फ पैसे देना, और इनका मकसद क्या होता है, लोगों की खिदमत करना, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है, जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन ने सैलाब जदगान की मदद की है ना, इसी तरह एनजीओज वगैरह होती हैं जो उनकी मदद करती है, और इन्हीं को हम कहते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अब देखते हैं कि जब भी हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, चाहे हम प्रॉफिट कमाना चाहें या ना चाहें, ठीक है, जब हमने कोई काम स्टार्ट करने तो हमारे पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, पैसे के बगैर हम कोई काम नहीं स्टार्ट कर सकते। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, अगर हम भी इन्वेस्टमेंट करें, हम उनकी हेल्प करें, हम उन्हें पैसे दें, तो हमें अगर पैसे ना मिले तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो इनके पास कौन से रिसोर्सेज होते हैं जिनकी वजह से इनके पास पैसे आते हैं और फिर वो आगे क्या करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। इनके पास पैसे आने के ये कुछ सोर्सेज लिखे हुए हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, द रेवेन्यू और इनकम, यानी कि इनके पास जो रेवेन्यू या इनकम आती है वो कहाँ से जनरेटिंग करते हैं, इनके पास कहाँ से वो इनकम आती है, सब्सक्रिप्शन के जरिए आती है, मेंबरशिप फी के जरिए आती है, डोनेशन के जरिए आती है, चैरिटी के जरिए आती है, एंड गवर्नमेंट ग्रांट अलग सेक्टर, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं इन सोर्सेज के अलावा भी जिनके जरिए इनके पास पैसे कलेक्ट होते हैं और वो आगे इन लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इन वर्ड्स को अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लेना, आपको ये ओरल याद होने चाहिए कि ये जो सोर्सेज हैं ये इनकम के लिए यूज हो रहे हैं। सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फी, जब आपके पास सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा वगैरह जो होते हैं, मेंबरशिप फी जो होती है, डोनेशन जो हम ज़कात वगैरह देते हैं, चैरिटी वही ज़कात हो गई, गवर्नमेंट ग्रांट्स होती हैं लोगों की मदद के लिए, वो इनके सोर्सेज होते हैं तंजीम को चलाने के लिए, ठीक है। आपने ये फिंगरप्रिंट्स पे नाम याद करने हैं, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फी, डोनेशन, चैरिटी, गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, ये रेवेन्यू है और ये हमारी इनकम है, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट देखिए, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, के ऐसी तंजीमों की मैनेजमेंट कौन करता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कौन करते हैं ऐसी तंजीमों की, तो इनके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है यानी कि इनका जो इंतजाम चलाने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं, नॉन गवर्नमेंट कमेटीज़ कुछ बनाई जाती हैं जो ऐसी तंजीमों का निज़ाम चलाती हैं, ठीक है। हमारे ये फोर पॉइंट क्लियर हो गए, हमने इन तंजीमों का मकसद भी पढ़ लिया, इनके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह ये करते हैं, सोर्सेज इनके पास पैसे आते कहाँ से हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन की जो तंजीम होती है उसे चलाता कौन है, ये हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, नजर आ रहा होगा आपको रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंट्स के नाम से हमारे पास एक ये पॉइंट गिवन है, इसको भी पढ़ लेते हैं कि जो हमने जब अकाउंटिंग स्टार्ट करनी है फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के लिए तो अकाउंट्स की भी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। तो जिस तरह हमने देखा था कि जो कंसर्न्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए हम क्या करते थे, डबल एंट्री बुक कीपिंग का सिस्टम हम यूज करते थे, उसके जरिए हम अपने सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते थे। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज यूजली अडॉप्टेड टू मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ कंसर्न, ठीक है। जो कंसर्न्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए अपना डबल एंट्री बुक कीपिंग का सिस्टम यूज करती है, ठीक है। इससे उन्हें पता चलता है कि एक फिक्स पार्टिकुलर पीरियड के दौरान उन्हें प्रॉफिट हुआ है या और लॉस हुआ है, ठीक है। लेकिन जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अपना सरप्लस और डेफिसिट निकालने के लिए क्या करती हैं, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं। इस अकाउंट को बनाने से उन्हें पता चलता है कि उन्हें सरप्लस हुआ है एक पार्टिकुलर पीरियड के दौरान या उन्हें डेफिसिट बर्दाश्त करना पड़ा, यानी कि उन्हें प्रॉफिट हुआ है
और या लॉस हुआ है, ठीक है। वो अपना प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए क्या बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह बनाया जाता है, ठीक है। आपको आई होप इतनी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं ऐसा होगा जो आपको नहीं समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको ना समझ आया हो तो मेरे नंबर पर पर्सनली भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मुझे कमेंट्स में भी मैंशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी इंशाल्लाह हेल्प करूंगी। फिर आप देखें हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1.1.4, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमने बताना है कमर्शियल और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये जो आपके टॉपिक्स हैं या आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इन्हें अच्छे तरीके से कवर करना है, ठीक है। प्राइमरी मोटिव यानी कि उनका बेसिक मकसद क्या होता है, उनका कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है और ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। प्राइमरी मोटिव इज टू अर्न द प्रॉफिट, इनका प्राइमरी मोटिव यानी कि इनका जो बुनियादी मकसद होता है वो क्या होता है, वो मुनाफा कमाना होता है। इनका क्या मकसद होगा, ऑब्वियसली मुनाफा कमाना नहीं होता, इनका मकसद क्या होता है, सोसाइटी की खिदमत करना। ऑनरशिप, प्रोप्राइटर्स ऑफ बिजनेस आर ओनर्स एंड इंटायरली टू गेट प्रॉफिट, जो इस कारोबार के मालिकान होते हैं ना, सबसे पहले आपको प्रोप्राइटर के बारे में पता होना चाहिए, वो कौन सा होता है। प्रोप्राइटर वो होता है जो कारोबार के नफा नुकसान का मालिक होता है। तो इसमें जो बिजनेस का प्रोप्राइटर होता है वही ओनर होता है और वही सारा प्रॉफिट बर्दाश्त करता है और लॉस भी वही लेता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कोई ओनरशिप नहीं होती, इसमें कोई मालिक नहीं होता, इसमें जो अगर सरप्लस होता है तो उसका कोई एक शख्स नहीं मतलब मालिक होता है कि ये इसका प्रॉफिट है, जिस तरह प्रोप्राइटर बिजनेस में होता है, इस तरह इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जो भी प्रॉफिट होता है उसे क्या करते हैं, उसे मेंबर्स के दरमियान तकसीम कर दिया जाता है, ठीक है। और ओनर कौन होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करता है, और इस नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ओनर कौन होता है, इसमें ओनर्स कौन होते हैं, मेंबर्स, ठीक है। मेंबर्स ही ओनर्स होते हैं क्योंकि वो मेंबर्स जो होते हैं वो ही पैसा लगाते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग रिजल्ट जो होता है, यानी कि इसमें जो रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हिच इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें जो जब रेवेन्यू क्या होता है, आपके रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के दरमियान जो डिफरेंस आता है उसे प्रॉफिट और लॉस कहा जाता है, ठीक है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या, इसका क्या मतलब है, मैं आपको ये समझा देती हूँ कि अगर हमें हमारी आमदनी, हमारे एक्सपेंसेस जो हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस यानी कि अखराजात जो हैं वो हमारे कम हुए हैं और इनकम हमारी ज्यादा हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक शॉप ओपन की है और मेरा खर्चा उस शॉप को खोलने पर, चीजों को सेल करने पर, सारी जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रेंट पे करने पर और एक्सेट्रा, मेरा खर्चा हो गया 500 रुपये, ठीक है, उस शॉप को, ठीक है। ये स्पॉट वैल्यू है, ठीक है, छोटे फिक्र मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि ना समझने में आसानी रहे, ठीक है। एक शॉप ओपन की और मेरा खर्चा हुआ 500 रुपये का, लेकिन मुझे उससे जो रेवेन्यू मिला है वो मुझे 100 रुपीज मिला है, ठीक है। अब आप देखें मेरा खर्चा सिर्फ रेवेन्यू मुझे मिला 1000 रुपये का, मेरा खर्चा सिर्फ 500 का हुआ था और मेरी आमदन कितनी हुई, 1000 रुपये की, यानी कि 500 रुपये का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। मेरी एक्सपेंडिचर्स कम है और इनकम ज्यादा है और 500 रुपये का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो जब हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो हम डिफरेंस यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के दरमियान जो डिफरेंस होता है इसे प्रॉफिट और लॉस कहते हैं। तो मेरे पास एक्सपेंसेस कम थे मेरे और इनके रेवेन्यू मेरा ज्यादा है, तो मैं कहूंगी मुझे प्रॉफिट हो गया। और अगर मैं एक शॉप ओपन करती हूँ, मैं 1000 रुपये का खर्चा करती हूँ और मुझे सिर्फ 500 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी, मुझे 500 रुपये का मुझे सिर्फ प्रॉफिट हुआ है, तो मैं कहूंगी मुझे लॉस हो गया, ठीक है, मुझे लॉस बर्दाश्त करना पड़ा है, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट होता है और इसमें क्या होता है, सरप्लस और डेफिसिट का वो होता है कॉन्सेप्ट। द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज नाउन एज सरप्लस और डेफिसिट विच इज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट वही है, बस इससे रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के दरमियान जो डिफरेंस आता है उसे हम सरप्लस और डेफिसिट के नाम से लिखते हैं, ठीक है। वही अगर हमारे इनकम ज्यादा हो जाए, प्रॉफिट कम हो जाए तो हम कहते हैं हमें सरप्लस हो गया, और अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए और इनकम हमारे कम हो तो हम कहते हैं डेफिसिट, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो हमारे पास प्रॉफिट कलेक्ट होता है हम उससे ओनर को देते हैं, या तो ओनर्स के दरमियान वो तकसीम होता है या जितने भी लोगों ने शेयर्स खरीदे होते हैं, ठीक है, इसका प्रॉफिट उनके दरमियान तकसीम कर दिया जाता है, जबकि इसका प्रॉफिट इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट तकसीम नहीं किया जाता बल्कि उसे क्या कहते हैं, सोसाइटी की खिदमत के लिए लगा दिया जाता है, ठीक है। आगे प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, ठीक है, इस जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें अपने डाटा
द्वारा को अपनी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, हमने ये कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना सीख चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है। लेकिन जब हम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो हम अपनी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं एंड हम लास्ट पे बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में हमने ये इस सारे चैप्टर में हम यहां तक इंट्रोडक्शन था, हमें इसके बारे में सारी डिटेल्स की मन थी, हमने वो पढ़ लिया और अब हमारे क्या टॉपिक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, यहां तक हमने जितनी भी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है हमने किसके बारे में पढ़ी है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, ये वो अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं पेज नंबर 7 पे हमारे पास है एक्टिविटी नंबर 1.2.1, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। हमने अब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बना इन्फॉर्मेशन पढ़नी है कि यार ये क्या चीज होती है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो हमने बनाना है लेकिन इसका मकसद क्या है, इसकी डिटेल्स हमें इस पैराग्राफ में बता दी गई है। ठीक है, फिर डिफरेंस बिटवीन कैश, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। ठीक है, इसकी समरी, इसलिए इसका डिफरेंस भी बता दिया गया। ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपका आ सकता है। डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपकी इतनी तैयारी मैंने करवा दी इस एक लेक्चर में ही। ठीक है, ये हमारा आखिरी टॉपिक है, इसके बाद यहाँ पर लेक्चर को एंड कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक इन विच ऑल द कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये बिल्कुल समरी है कैश बुक की, इन विच ऑल द रिसीप्ट, ये क्यों समरी है, आगे हमें बता रहे हैं कि ये कैश बुक की समरी तो है लेकिन ये कैश बुक की समरी क्यों है, क्योंकि इसमें भी सारे कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट्स रिकॉर्ड की जाते हैं। ठीक है, यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन, जितना भी लेन देन जो है वो कैश के फॉर्म में होता है वही हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मैंशन करते हैं, और कैश बुक में भी हम सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते थे, ऐसी ट्रांजेक्शन जो कैश कैश की सूरत में रिसीव हुई हो या कैश की सूरत में हमने पे की हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ऑल द कैश रिसीव्ड, जितना भी कैश हम वसूल करते हैं एंड पेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, एक खास दुरानी के दौरान हम जितना भी कैश वसूल करते हैं या जितना भी कैश हम उसे पे करते हैं रिकॉर्ड किया जाता है अंदर द अप्रोप्रिएट हेड, एक अप्रोप्रिएट हेड होता है उसके नीचे हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जितना भी कैश हम वसूल करते हैं उसके लिए भी खास टेबल बना, एक खास हेड होता है, और जितना भी हम कैश पे करते हैं उसके लिए भी खास हेड होता है जिसके नीचे हम इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अभी आपको ये बेसिक है ना, बेसिक से आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा कि हम किस साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, मुझे उम्मीद है आपको मुश्किल नहीं लग रहा होगा क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिटेल से इसको डीपली इसको स्टडी कर चुके हैं इस चैप्टर को, इन टॉपिक्स को, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा हो तो आपने इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है क्योंकि इस चैप्टर से आपकी सारी बेसिक बननी है सारी अकाउंटिंग की ना, कोड 1340 की। तो जब हम न्यूमेरिकली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर कितना ज्यादा मतलब मजे का है, आसान है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए कवर करवाए तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, दूसरा अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि रिसीप्ट अकाउंट क्या होता है, पेमेंट अकाउंट क्या होता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के दरमियान डिफरेंस आ जाए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से अपना वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, आपको किसी के गेस पेपर की और किसी चीटिंग की और किसी फेलियर की सप्ली की जरूरत ना हो। ठीक है, सप्ली आपको बर्दाश्त ना करनी पड़े क्योंकि सप्ली के साथ पास होना कोई पास होना नहीं होता। ठीक है, आप सेकेंड अटैम्प्ट क्लियर कर रहे हैं 33 नंबर लेके 34 नंबर लेके, ऐसा पास होना कोई पास होना नहीं होता। ठीक है, आपको चाहिए क्योंकि अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों के 99 मार्क्स आते हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप सारे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे तो आपके भी 99 मार्क्स आएंगे। ठीक है, आपके असाइनमेंट में भी इतने मार्क्स होने चाहिए और आपके एग्जाम में भी इतने मार्क्स होने चाहिए क्योंकि अकाउंटिंग में बच्चों के इतने ही मार्क्स आते हैं क्योंकि इतना ही मजे का सब्जेक्ट है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको इन अकाउंटिंग से ज्यादा कोई सब्जेक्ट मजे का लगेगा ही नहीं। ठीक है, एक आपका अकाउंटिंग का सब्जेक्ट बहुत मजे का और एक आपका स्टैट का सब्जेक्ट बहुत मजे का अगर आपने इस पे ग्रिप बना ली तो।
अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ तक रीड कर चुके हैं। आगे हमारे पास लिखा है रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड डेबिट साइड एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड क्रेडिट साइड। यानी कि जितनी भी रिसिप्ट्स हैं, जितनी भी वसूलियाँ हैं, वो आपकी लेफ्ट साइड यानी कि लेफ्ट साइड डेबिट साइड पर रिकॉर्ड की जाएंगी, और जितनी भी आपकी पेमेंट्स हैं वो आपकी क्रेडिट साइड पर यानी कि राइट साइड पर रिकॉर्ड की जाएंगी। ठीक है, ये टेबल जब बनाएंगे तब आपको इस लाइन की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। यूजली द रिसिप्ट्स आर ग्रुप अंडर द मेन हेडिंग एंट्रेंस फी। अब आपको बताया, जिससे आपको बताया गया था ना रिसोर्सेज का, मैंने आपको कहा था वो पॉइंट्स आपने याद कर लेने थे जिन पे लिखा होता है सब्सक्रिप्शन एंट्रेंस फी, और उसके बाद कुछ ग्रांट्स थी उसके नाम से, मेरा तो अब गला भी बैठ गया ना बोल बोल के। अच्छा, वो आपने याद कर लेने थे, वो आपके क्या थे, इनकम रिसोर्सेज से। अब ये आपको बता रहे हैं कि रिसिप्ट के अंदर क्या क्या आ सकता है, आपकी एंट्रेंस फीस, एनुअल सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लाइव मेंबरशिप फी, इंटरेस्ट, सेल्स ऑफ एसेट्स एंड सेकेंडरी रिसिप्ट, यानी कि बहुत से मुख्तलिफ किस्म के जो रिसिप्ट होते हैं वो सारी आपके किसके हेड के नीचे आएंगे, रिसिप्ट। तो ये आपने मार्क कर लेना है और ये आपको फिंगरप्रिंट पे आपने याद कर लेनी है कि सब्सक्रिप्शन ये सारी रिसिप्ट की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये आपने याद करनी है और यही आपने आगे क्वेश्चन में आपके यूज होनी है। अगर आपने यहाँ पे कौन सा याद किया हुआ तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अगर आपने यहाँ पे याद ना किया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, आप नहीं कर पाएंगे सॉल्व। वेयर द पेमेंट आर ग्रुप एज सैलरीज, और उसके बाद जो पेमेंट्स होते हैं उसमें पेमेंट्स का जो ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास सैलरीज होते हैं जो हम तनख्वाहें वगैरह अदा करते हैं, वेजेस होते हैं, उजरत होते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो होती है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ऑफिस एक्सपेंसिस एक्सेट्रा, यानी कि जितने भी तरह के एक्सपेंसिस होते हैं जो हमारे खर्चे होते हैं वो हम पेमेंट में लिखते हैं, और जितने भी हम वसूल हैं यानी कि जितना भी हम लोगों से या जिस भी शख्स से हम कैश वसूल करते हैं उसे हम रिसिप्ट में लिख देते हैं। तो ये उन्होंने आपके सामने एग्जाम्पल से भी लिख दिया कि डोनेशन, लाइव मेंबरशिप आपकी रिसिप्ट है, और एक्सपेंसिस लाइक ऑफिस एक्सपेंसिस है, रेंट एंड रेट्स, टैक्सेस हैं, ये सारे इस तरह के एक्सपेंसिस आपके क्या है, पेमेंट्स हैं। ठीक है, आपका पता चल गया होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बेसिक इंट्रो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ कैश अकाउंट वर्सेस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। देखिये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पॉइंट्स ऑफ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, फिर हमारे पास लिखा हुआ है कैश अकाउंट के फंक्शंस और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के फंक्शन। आप देखें, जब हम कैश अकाउंट बनाते हैं फर्स्ट ईयर में हमने बनाया, हमारा पूरा एक प्रॉपर चैप्टर था, उसमें हम क्या करते हैं एक एक ट्रांजेक्शन को, ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड सेपरेटली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन कैश बुक। यानी कि कैश बुक जो हम बनाते हैं उसके अंदर, जो हम कैश अकाउंट बनाते हैं उसके अंदर एक एक ट्रांजेक्शन को एक स्पेसिफिक ऑर्डर के जरिए अलग अलग रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक खास तरतीब के जरिए रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन ग्रुप एंड डज नॉट फॉलो द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कि इसमें ट्रांजेक्शन को एक ग्रुप की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है और इसमें किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता, ना ही हमें एक तरतीब से ट्रांजेक्शन को लिखना होता है, हमें जहां पे हमें आसानी लगती है हम अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, आपको याद होगा जब हम कैश अकाउंट बनाते हैं तो हम हमेशा उसकी ट्रांजेक्शन के नीचे एक छोटी सी ब्रैकेट डाल के उसके अंदर एक नरेशन लिखते थे। ठीक है, छोटी सी उसकी वजाहत लिखते थे। तो इसमें लिखा हुआ है नरेशन इज रिटन एट द एंड ऑफ ईच एंट्री कैश अकाउंट में, हर एंट्री के लास्ट में हम क्या करते थे, नरेशन लिखते थे। लेकिन इसमें हमें नरेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। कैश बैलेंस, इसमें डेली का कैश बैलेंस होता था और इसमें क्या होता है, एक पार्टिकुलर पीरियड जो होता है हमारा, पार्टिकुलर पीरियड उसके एंड पे जो हमारे पास कैश बैलेंस होता है सिर्फ हम उसी को ही लिखते हैं। टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड वैन दे अकर्ड ऑन डेली बेसिस। ठीक है, ट्रांजेक्शन वो डेली बेस पर अकर्ड होने वाले जो वकूफ पजीर होने वाली जो ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें कैश अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता था। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ पार्टिकुलर पीरियड, एक पार्टिकुलर पीरियड के बाद जो ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो आज देखते हैं हमने कितने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, एक लेक्चर में हमने कवर किए हैं। देखिए हमने कितने टॉपिक्स कवर कर लिए एक लेक्चर में, देखें हमारा यहाँ तक हो गया। अब कल इंशाल्लाह कल की जो लेक्चर की वीडियो होगी हम सारे एग्जांपल्स एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, सारे टॉपिक हमने कवर कर लेने हैं, फिर हमारे लास्ट पे ये प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें, मेरे पास आपके सारे कोर्स के
अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, और अगर आपको नहीं भी मेंशन तो आपके सामने ये शो होगा 03187895979, और आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी स्टडी को कैरी ऑन कर सकते हैं। इसी में आपको मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं बता देती हूँ, असाइनमेंट्स में सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है। सारा सारे सब्जेक्ट का सारा सिलेबस क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, पेपर स्कीम क्या है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ग्रुप में शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आप इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।